आ पापा दर्द हो रहा है, आराम से। मैं हलफ लेता हूँ, मैं बबलू बादशाह हलफ लेता हूँ, तीस साल हो गए थे और हमारे घर कोई औलाद नहीं हो रही थी। फिर मैंने शादी की और शादी के अगले बरस ही घर के बुजुर्गों की बददुआओं के नतीजे में मेरा बबलू पैदा हुआ। पॉप ने मेरे पैदा होते डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे जेबीपी जगदी पुष्टि पार्टी का यंगेस्ट चेयरपर्सन बनाएंगे और इवेंचुअली इस मुल्क का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी। यह फैसला मैंने ऐसे ही नहीं कर लिया बल्कि बबलू में एक लीडर और पीएम बनने के वो सारे जरासीम मौजूद हैं जो एक पीएम में नहीं होने चाहिए। अरे इस बात का अंदाजा तो मुझे उस वक्त हो गया था जब घर में उसकी पानी की गन टूटी फूटी तो फिक रही थी, मोहल्ले के बच्चे ने आगे वो गन उठाई और बबलू ने तो तूफान खड़ा कर दिया। कहां वो उस गन की तरफ देखता तक नहीं था और अब वही गन उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी। मुझे उस वक्त आइडिया हो गया ये नॉन इश्यू को हॉट इश्यू बनाने में चैंपियन होगा। एक बार फैमिली पिकनिक में फूफो का बेटा इसके पोजीशन में खड़ा हो गया था। ये बीफ बिरयानी के हक में था और उसने चिकन बिरयानी बनवा ली थी। वो पिकनिक पर तो गया लेकिन कहते हैं उस दिन पानी बहुत चढ़ा हुआ था और वो बहुत आगे निकल चुका था बेचारा। पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था क्योंकि मैं पार्टी के लिए रेडी नहीं था। आई एम नोन टू बी अ पार्टी एनिमल बट इस पार्टी का तो गेम ही कुछ और था। इस बात को लेके मेरी और पॉप की काफी तूतू मैमें भी हुई। पॉप मुझे एक्टर बनना है। बेटा पीएम बन के भी तो एक्टिंग करनी है और उसी में तो तुम्हारा असल इम्तिहान होगा एक्टिंग का। बेटा ये ठेका हमारी फैमिली ने उठाया है इस मुल्क को नोच खाने का। तुम पीछे हट रहे हो? पॉप मैं पीछे नहीं हट रहा। कंपटीटर्स की बेटी को देखा है कैसा ट्वीट करती है, स्टेटमेंट देती है, जलसों के अंदर स्पीच करती है। बस मैंने फैसला किया है कि पार्टी तुम संभालोगे। मेरी एक एजेंसी से बात हो गई है, वो नया लीडर बनाने का काम करते हैं। देखो भाई हमने हमेशा से एक नंबर करप्ट माल प्रोड्यूस किया है। चालबाज लीडर ना सादिक ना अमीन लीडर, शादी के लिए रेडी लीडर। पर बबलू के केस में क्योंकि बबलू एक एकदम फ्रेश पीस था इसलिए हमें सारी प्लानिंग नए सिरे से करने की जरूरत पड़ी। कपड़ों से लीडर की पहचान होती है इसीलिए हमने सबसे पहले एक माहिर सियासी दर्जी से मुलाकात की। अभी तो बेबी बहुत स्लिम है, आराम का मेरा मतलब है आवाम का पैसा खाएगा तो अगले इलेक्शन तक मजीद वेट गेन कर लेगा। वाइट के अलावा कोई और कलर ट्राई करें? नो नो बेबी यू आर पॉलिटिशियन नॉट एन आर्टिस्ट। लेट मी ट्राई समथिंग। यस दिस इज लुकिंग कूल। तुम आवाम की आंखों में आराम से धूल झोंक सकते हो। जब सब कुछ मेरे हिसाब से तब्दील हो रहा था तो फिर इस पार्टी का मंशूर और पब्लिक स्कीम्स भी चेंज होना जरूरी थी, जिसके लिए एजेंसी वालों ने एक मशहूर ड्रामा राइटर हायर किया जिसने इससे पहले मेमोगेट स्कैंडल, पनामा लीक्स, की फरियाद जैसे प्रोजेक्ट्स किए हुए थे। और हाँ रिसेंटली खान की बुक जैसा हिट प्रोजेक्ट भी इसी के पोर्टफोलियो में मौजूद था। देखें नारे एक सियासी लीडर के लिए सस्ती शोहरत कमाने का हथियार होते हैं, तो अब जब बबलू की बारी आई तो हम उसके लिए जब तक सूरज चांद रहेगा बबलू तेरा नाम रहेगा या फिर बबलू के फरमान पर जान भी कुर्बान है ऐसे घिसे पिटे नारे हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने एक नया नारा निकाला कि बबलू करेगा ऐसे काम माफी मांगेगी आवाम। मेकअप अभी हो गया ना, चलो हटो चलो, चमका दिया बहुत, चमका दिया बस। हाँ सर सर रिलैक्स रहे बिल्कुल ओके। पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के बाद हाँ हार्ट ब्रेकेट शॉन माइकल वाला पोज चलो गुड हो गया, आला कर दिया सर, बेहतरीन कर दिया, उदम हो गया, मुल्क का पैसा लूट के भागने का पोज। ओह वेरी नॉटी नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल की तरह हाँ बहुत आला सर, क्या एक्सप्रेशन है। अगला करेंगे सर,
बिजली और पानी का वादा करने का पोज। ओ बहुत आला बैड बॉय व्हाट यू गोना डू। पनामा में नाम आने के बाद हाँ जगजीत सिंह की गजल याद करें, वो कागज की कश्ती, इलेक्शन धांधली से जीतने के बाद का पोज। बबलू इलेक्शन जीत चुका था, बिल्कुल ऐसे खुशी हो रही थी जैसे उसी घटना वाले दिन बबलू बतौर सेलेक्टेड वजीर आजम हलफ लेने वाला था। मैं बबलू बादशाह हलफ लेता हूँ कि सेलेक्टेड वजीर आजम बनने के बाद इस मुल्क के लोगों का जीना हराम कर दूंगा, इन्हें पानी और बिजली के लिए तरसा दूंगा, मेरठ की माँ की मेरठ की मट्टी बलीद कर दूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा पीएम बनेगा और उसके बाद उसका, लोग खुद बनते रहेंगे और हम पीएम बनते रहेंगे। पॉप कोई ताली नहीं बजा रहा। हेलो गाइस, वोट देना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सोच समझकर सही कैंडिडेट को वोट करें, ऐसा ना हो कोई बबलू जैसा हमारे सर पे आके बैठ जाए। उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी ये भी है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें लाइक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू। सब तुमने ही बोला था तो मुझे क्यों बुलाया था, मतलब तुम ही खेल लो ना, जमहूरियत ही नहीं है तीली में तुम। यार बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो।